लेकिन उसके आने से पहले मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। तुम्हारी रिहाई के बदले मैंने नवाब फखरुद्दीन से वादा किया है कि मैं उसकी बेटी को बाइज्जत तरीके से उसके हवाले करूंगा। लेकिन डैड क्यों? लेकिन वेकन कुछ नहीं, तुमने मेरी ना मानकर अपने आप को मौत के बहुत करीब कर लिया था। अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। इधर ही खड़े हो ना, चलो और भी चीजें लेनी है, आ जाओ। कैसा फील कर रही हो तुम? मैं एक शाख से टूटे हुए पत्ते की तरह हूँ। मालूम नहीं कहाँ कहाँ भटकाएगी मुझे अब जिंदगी। एक बात बताऊँ, तुम्हारी और मेरी स्टोरी का स्टार्ट सेम है। मैं भी तुम्हारी तरह घर से निकली थी, और जिसकी मोहब्बत के भरोसे घर से निकली थी वो सिर्फ 15 दिन तक मेरा रहा। धूप के सफर में छांव नसीब हुई है, मगर किसी बरगद के पेड़ की नहीं, कीकर की। छांव के साथ साथ उसके कांटों की चुभन भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। दिल से आह निकलती है, मगर होठों पर कह के लाने पड़ते हैं। उसके छांव में अगर हंसती हूं तो झूठा, रोती हूं तो झूठा। जानती हो वो कीकर कौन सा है? नवाब है, वढ़ेर है, रखेल हूं मैं उसकी। ये घर भी उसी ने लेकर दिया, और गाड़ी भी। ख्वाबों के भरोसे घर से कदम उठाने वाली लड़कियों के लिए एक इबरत हूं। मैं तुम्हें डरा नहीं रही, सच बता रही हूं।